हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। हम पढ़ रहे थे पार्ट 15, कितने सारे। यहाँ पे हमने एक छोटी सी बच्ची नगमा और उसकी अम्मी की कहानी देखी। नगमा आसमान के तारे और समुद्र में आने वाली लहरें कितनी हैं, इनका सवाल खोज रही थी और अम्मी ने उन्हीं से काम करवा के पता करवाया कि ये अनगिनत है, ये इन्फिनिट है। जैसे समुद्र में लहरें एक के बाद एक आती जाती हैं, उसको हम गिन नहीं सकते, और सब आसमान में जो तारे हैं वो भी हम गिन नहीं सकते, इतने सारे तारे हैं। वो भी अपनी अम्मी से इतना ही प्यार करती हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। होप उम्मीद करती हूँ कि नोटबुक में आपने श्रुतलेख लिख दिए, क्योंकि इस चैप्टर में तो नए शब्द है नहीं। तो देखिए, मौखिक प्रश्न यानी पाठ के आधार पर आपको ओरल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पाठ के आधार पर हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मौखिक यानी ओरल क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं जुबानी। नगमा ने सवाल पूछना कब शुरू किया? बताओ यूसुफ, नगमा ने सवाल पूछना कब शुरू किया? जब नगमा कितने साल की हो गई तब? छः साल की हो गई तो उसने सवाल पूछना शुरू किया। तो चलिए अगले सवाल की ओर। नगमा ने आसमान में कितने तारे गिने? तो यूसुफ बताइए, आसमान में नगमा ने कितने तारे गिने? 104। लेकिन है कितने तारे? बहुत सारे। कितने सारे? बहुत सारे। अगली सुबह नगमा ने अम्मी से क्या सवाल पूछा? तो चलिए बच्चों जानते हैं कि अगली सुबह नगमा ने अम्मी से क्या पूछा। बताइए यूसुफ, अगली सुबह नगमा ने अम्मी से क्या पूछा? समुद्र में कितनी लहरें हैं? वेरी गुड। समुद्र में कितनी लहरें हैं? क्या आप जानते हो समुद्र में कितनी लहरें हैं? नहीं। क्या हम उसको गिन सकते हैं? इन्फिनिट। जैसे कि मैंने बताया, आप गिनते जाओगे वैसे ही लहरें आती जाएगी। यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा। अगली सुबह नगमा ने अम्मी से क्या पूछा? समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर अम्मी से उन्होंने पूछा, समुद्र में कितनी लहरें? नगमा ने समुद्र में कितनी लहरें गिनी? बताइए यूसुफ, नगमा ने समुद्र में कितनी लहरें गिनी? 500 लहरें गिनी। देखिए यहाँ पर बताया जाता है 100, 101, 110, 500 तक उन्होंने लहरें गिनी हैं। तो कितनी लहरें थी? 500, यानी गिन नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने दोपहर तक 500 लहरें गिन ली थी। ऊंचे स्वर में पढ़िए यूसुफ, मैं पहले पढ़ूंगी, आप उसको रिपीट करोगे, ठीक है? चलिए बुक आपकी तरफ करते हैं। आसमान जोर से पढ़ना है। 56 अस्सी पलकें समुद्र 500 जोरों की लगाओगे जस्ट अ सेकेंड वेट लगाओगी गी लगाओगी अम्मी दुनिया। वेरी गुड, दुनिया। चलिए दोबारा बोलते हैं। आसमान 56 अस्सी पलकें। वेरी गुड। समुद्र यस 500 यस जोरों की यस लगाओगी अम्मी दुनिया। दोबारा से पढ़िए लगाओगी, क्योंकि आपको यही शब्द डिफिकल्ट हो रहा है। लगाओगी एक और बार। वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए बच्चन देखते हैं लिखित प्रश्न। आप क्या क्या गिन सकते हैं? हाँ अथवा नहीं में जो उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें हाँ या नहीं ये बताना है। क्या आप पीपल के पेड़ के पत्ते गिन सकते हैं? क्या आप पीपल के पेड़ के पत्ते गिन सकते हो? हम तो कोई भी पेड़ के पत्ते गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे न, ह को बड़ी ई की मात्रा, आम की मात्रा नहीं। क्या आप अपनी अलमारी में रखे कपड़े गिन सकते हैं? क्या आप अपनी अलमारी में रखे कपड़े गिन सकते हो यूसुफ? हाँ। तो यहाँ पे जवाब आपको लिखना है ह को आ की मात्रा चंद्रबिंदु। हाँ। क्या आप डिब्बे में रखी चीनी के दाने गिन सकते हैं? नहीं, हम चीनी के दाने नहीं गिन सकते। चीनी हो गया, दलिया हो गया, इनके दाने हम गिन ही नहीं सकते।
या हालांकि जवार जैसे ग्रेन्स की भी, चावल जवार इनके भी दाने हम गिन नहीं सकते। क्या आप रसोई घर में रखे बर्तन गिन सकते हैं? हाँ। क्या आप रसोई घर के बर्तन गिन सकते हो? हाँ, कल आप मुझे बताओगे कि आपके रसोई घर में कितने बर्तन हैं, ठीक है? प्लेट्स, ओनली प्लेट्स। तो इसका जवाब है हाँ, हम अपने रसोई घर के बर्तन गिन सकते हैं। यूजुअली देखिए, मम्मी भी बोलते हैं कि 7-6 प्लेट थे, हमने पड़ोस में दिया था, वो प्लेट वापस नहीं आए, इस घर में सिर्फ 5 प्लेट में, यानी बर्तन हम गिन सकते हैं। वेरी गुड यूसुफ। वाक्य पूरी कीजिए। नगमा अपने सिर अम्मी के डैश में रख कर सो गई। कहाँ रख कर सो गए, याद नहीं है? नगमा अपना सिर अम्मी के, हाँ बोलिए सही, गोद पर नहीं, गोद में रखकर सो गई। देखिए यह वाक्य है, फिर अपना सिर अम्मी के गोद में रखकर झट से सो गई। गोद, ग, ग को ओ की मात्रा, गो द, गोद। ओके, नगमा ने समुद्र की डैश की आवाज़ सुनी। समुद्र की किस चीज़ की आवाज़ सुनी? यस, समुद्र की लहरों, ल ह रे को ए की मात्रा, लहरों, ओ तो आम की मात्रा, लहरों की आवाज़ सुनी। नगमा को डैश भूख लग रही थी, जब समुद्र की लहरें गिन रही थी उसको भूख लग रही थी, राइट? कैसी भूख लग रही थी? उसे जोरों की भूख लग रही थी। ज के नीचे ये बिंदु आने से ज को ज बोल के पढ़ते हैं, जेड का प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, ये हो गया जोर। ओके, जोरों की, जोरों की करने के लिए यहाँ पे ज के नीचे हमें एक बिंदु देना है, जिससे ज को ज की तरह हम पढ़ सकते हैं। बच्चों, नगमा सारा दिन तारे और डैश के बारे में सोचती रही। नगमा सारे दिन किसके बारे में सोचती रही? तारे और समुद्र की लहरें के बारे में। ये देखिए, स, म को उ की मात्रा, मु, द को र का संयुक्त व्यंजन, समुद्र की लहरों के बारे में सोचती रही। समुद्र की लहरों के बारे में सोचती रही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगमा ने इन सवालों के क्या जवाब दिए? कितने सारे हैं आसमान में, कितने तारे हैं आसमान में? नगमा ने क्या उत्तर दिया, चलिए देखते हैं। तो अम्मी ने पूछा यहाँ पर, कितने सारे हैं आसमान, कितने तारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा तो इतने की मैं गिन भी नहीं सकती हूँ, इतने की मैं गिन भी नहीं सकती हूँ, यहाँ पे नगमा का जवाब था। लेट मी राइट एंड कंटिन्यू द वीडियो। बच्चों, यहाँ नगमा का जवाब था इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती। तुम मुझे कितना प्यार करती हो, यहाँ पे अम्मी ने पूछा था इनसे कि तुम मुझसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो अम्मी ने पूछा था कितना। नगमा ने एक पल सोचा और बोला, आसमान में जितने तारे हैं और समुद्र में जितनी लहरें हैं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए चलते हैं भाषा बोध यानी ग्रामर, व्याकरणांश। एक और अनेक, हमने एक और अनेक को बताया था मैंने, जहाँ पे अ की मात्रा से एंड होते हैं वहाँ पे ए की मात्रा लगाकर हमें उसको बहुवचन में बदलना है। एक वचन को बहुवचन, माने एक सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है। जैसे कि लहर, लहरें, बात, बा, त, त को ए की मात्रा और अंक मात्रा, बातें, गाय, गायें, आंख, आ के ऊपर चंद्रबिंदु, ख को ए की मात्रा, आंखें, पतंग, प, त को अम की मात्रा, पतंग, ग को ए की मात्रा और अम की मात्रा, पतंगे, बिंदु लगा के पतंगे, इनके ऊपर ए की मात्रा के बगल में हमें बिंदु लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। किताब, क,
कि ता ब को एक ही मात्रा और बिंदु लगाना है, किताबें। इजंट इट ईजी बच्चों? जहाँ पे अ की मात्रा से शब्द का अंत हुआ है, हमें वहाँ पर एक ही मात्रा लगाकर बिंदु को जोड़ने से वहाँ पे वो शब्द प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। हर चित्र के लिए समान अर्थ वाले दो दो शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे कि ये क्या है, आसमान है, आसमान को हम आकाश भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नभ मैंने ये बताया था, आकाश, आसमान, आसमान, और ये क्या है, पानी, नीर, जल, आंख, नयन, पेड़, वृक्ष। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं, देखिए सागर, सा ग र। अब जैसे कि देखो हमने आसमान का ख़त्म कर लिया है, नभ, और क्या बोलते हैं, वृक्ष, आकाश। देखो आकाश, आसमान भी सही है, नभ भी सही है, आकाश भी सही है। अभी हमने सागर लिख दिया, यहाँ पर सागर के अलावा समुद्र भी सही शब्द है। समुद्र, ओके, दो शब्द हो गए। जो शब्द ख़त्म कर लेंगे हम उसे सर्कल कर देंगे तो इजी रहेगा। ये है नेत्र, न को एक ही मात्रा और त्र, नेत्र, और क्या है, नयन, न य न, नयन, और ये क्या है, वृक्ष, वृक्ष, वृक्षों के ऊपर यहाँ पे लाइन नहीं डालनी है बच्चों। वृक्ष के अलावा हम इसे पेड़ भी कहते हैं, पे ड बिंदु, पेड़। ये क्या है, पर और पंख, पर अथवा पंख। बच्चों एक जैसे अर्थ का मतलब दोबारा बताती हूँ, शब्द भले ही दूसरा हो लेकिन अर्थ उसका वही होना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उनको एक जैसे शब्द कहते हैं। चलिए चलते हैं, पढ़िए और समझिए। और का मतलब कि तरफ, और का मतलब है, और के तीन मतलब हैं, जैसे कि दो शब्दों के वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, दूसरा ज्यादा। जैसे कि देखिए अभी, और चलो उस और चलते हैं, यानी और उस तरफ चलते हैं, उस डायरेक्शन की और चलते हैं, ओके। और ये ओ है, ये और है, और मतलब दो नए शब्दों के। यूसुफ और तहसीन मैम ने वीडियो बनाई, यूसुफ और तहसीन मैम, दो अलग अलग शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द और होता है। दूसरा, और कौन सी, मतलब ये किताब है, और कौन सी किताब है आपके पास, यानी दूसरा, दूसरी और कौन सी किताब है, दूसरी कौन सी किताब है, इसका मतलब। तीसरा होता है ज़्यादा, और डालो, और डालो। अभी आप समझो कि अभी चाय पी रहे हो, ओके, अभी आपको इतनी चाय डाली है, और चाय चाहिए, इतनी डालो, और चाय चाहिए, यानी ज़्यादा। इसके और के तीन और अलग मतलब आते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य में और अथवा और अथवा और लिखिए। नगमा सारा दिन तारे डैश लहरों के बारे में सोचती रही। तारे और लहरों, दो चीज़ों को जोड़ने वाला शब्द, और आओ र, और नगमा ने आसमान की डैश देखा, आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ यानी और। तरफ देखने को और कहते हैं, और इन तीनों का मतलब अगर वाक्य में है तो हम ये वाला और लिखेंगे या तो हम और लिखेंगे। वहाँ जितनी भी लहरें गिनती उतनी गिनती जाती उतनी ही डैश किनारे से टकराने लगती। देखिए बच्चों, यहाँ पे जितनी लहरें गिनती उतनी ही और, यानी ज़्यादा लहरें, यहाँ पे हमने इसका मतलब देखा था ज़्यादा भी है, उतनी ही ज़्यादा लहरें।
तो यहाँ पे कौन सा अ आएगा, आओ र। और मुझे थोड़ा डैश केक चाहिए, थोड़ा और केक चाहिए, थोड़ा और यानी ज़्यादा, इसका भी मतलब और थोड़ा ज़्यादा। और प्रणय खिड़की की डैश खड़ा था, खिड़की की ओर, प्रणय खिड़की की ओर खड़ा था, बोर्ड खिड़की की ओर है, खिड़की के पास यानी खिड़की के तरफ, ये कौन सा हो गया, और। अभिव्यक्ति कौशल्य, जरा सोचिए, आपने पास आसपास देखिए, आप किन किन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, एक सूची बनाइए और उनके उत्तर अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या अध्यापिका से पूछिए। आप कोई प्रश्न बड़ों से पूछना चाहते हो तो उनकी सूची यानी उनकी एक लिस्ट बनानी है और आपको पूछनी है। मेरे मम्मी, लिखित अभ्यास, आप अपनी मम्मी के से कितना प्यार करते हैं, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, उसमें इतने तारे बनाइए जितना आप अपने मम्मी से प्यार करते हैं, कार्ड के अंदर अपनी प्यारी मम्मी के लिए चार वाक्य लिखिए। आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है जिसके अंदर आपको इतने तारे बनाने हैं जितना आप अपने मम्मी से प्यार करते हो और उसमें उनके आपकी मम्मी के बारे में चार वाक्य लिखना है। आई होप बच्चों आपको लेसन समझ आ गया है। इसके बाद ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए हैं, हमारा टेक्स्ट बुक वाला काम आज ख़त्म हो चुका है, ग्रामर के कुछ अंश बचे हैं, लेट्स फिनिश। कल की क्लास में व्याकरण का हम लेसन करेंगे। अभी के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।